रतलाम जिले के एक टोल नाके पर वाहन चेकिंग के दौरान दो वाहनों में कुल 6 लाख से अधिक नकदी राशि बरामद की गई है। दरअसल चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू है, जिसके कारण लगातार वाहनों की चेकिंग चल रही है। इस दौरान रतलाम के ढोडर टोल नाके पर निगरानी दल ने दो अलग अलग कारों की तलाश की, जिसमें कुल 6 लाख से अधिक नकदी रुपए बरामद किए गए। एक युवक मंदसौर जबकि दूसरा युवक जवारा का निवासी बताया जा रहा है। बताया गया कि चुनाव आयोग के कड़े निर्देश हैं कि 50,000 से अधिक रुपयों का परिवहन करने पर उपयुक्त कागज साथ होना जरूरी है, अन्यथा यह राशि चुनाव के संदर्भ में ले जाने वाली मानकर जब्त की जा सकती है। दो कारें वहाँ पे टोल नाके पे देखी हैं, उसमें कैश पैसा था, एक में जैसे 5 लाख 150 रुपये और एक में एक दूसरी गाड़ी में 1,21,000। ये पैसा किस लिए कहाँ ले जा रहे थे, कुछ पता चला है क्या? ये पैसा एक तो जो सोयाबीन जो बेच के आए थे उनका कैश पैसा था। और अभी आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अभी क्या कार्रवाई कर रहे हो इस पैसे? जब्त किया है सर, जब्त कराए राशि।